सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही बड़े होगा। सो दोस्तों देख सकते हो हमारी गेम इंडियन वाइट अवे 3 पे भाई सब तीनों के तीनों एनिमल्स ऐड हो चुका है दोस्तों। सो वो कौन सी एनिमल्स का मतलब क्या चीट कोड होने वाला है, सो दोस्तों आज के वीडियो में ये सब दिखाने वाले हैं। और एनिमल्स के पीठ में तुम लोग बैठ भी सकते हो, इसको चला सकते हो कि नहीं सकते हो, सब कुछ एकदम इस वीडियो में हम लोग बताएंगे दोस्तों। सो उस वीडियो को तो शुरू से लेके एंड तक देखना। और जो भाई लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम लोग इसको कैसे इनर वाइड अवे 3 पे ले सकते हो ये अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो भाई कॉमेंट कर देना कैसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। अगर नहीं जानते हो तो कॉमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को भाई सिखा देंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तुम लोग को देख लेना इतने सारे एनिमल्स आया है। सो चलो मैं दिखा देता हूँ इसका चीट कोड क्या होने वाला है। सो सबसे पहले तुम लोग आ जाना है अपने घर के सामने, और इधर आके तुम लोग बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग जस्ट चीट कोड दबाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं जितने भी हमारी एनिमल्स आए हैं सबका चीट कोड आज दिखाने वाला, मतलब ऑल चीट कोड। सो पहले दोस्तों देख सकते हो ये है मॉन्स्टर मैन। सो दोस्तों देख सकते हो बहुत जल्दी भागता है, इसीलिए मैंने इसको गोली मारी। और दोस्तों देख सकते हो इसको तुम लोग, मैं दिखा रहा हूँ इसका दांत है बहुत ही बड़ा बड़ा। इसको तुम लोग अगर एक बार छेड़ दे तो ना भाई तुम लोग को एक ही मतलब खा लेंगे एक ही बार पे। और दोस्तों देख सकते हो कैसी लगी तुम लोगों को मॉन्स्टर मैन, कमेंट करके बताओ। और अगला है स्नेक मॉन्स्टर, जो कि दोस्तों देख सकते हो ऐसी दिखती है, हाथ में भाई एक कुल्हाड़ी टाइप लेके खड़ा हुआ है। और तुम लोग एक बार इसको अगर कुछ भी कर दे तो तुम लोग को भाई एक ही झटके में भाई मार देगा ये। और अगला हमारी आती है भाई ये दोस्तों देख सकते हो, इसका नाम है ईगल मॉन्स्टर, ठीक है। सो दोस्तों तुम लोगों को भाई ईगल मॉन्स्टर कैसी लगी कमेंट करके बताओ। और हाँ, इसमें तुम लोग बैठ भी नहीं सकते हो क्योंकि इसमें बैठने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो दोस्तों देख सकते हो ये है हाथी, और हाथी का चीट कोड तुम लोग देख ही लिया होगा। सो हाथी में तुम लोग भी बैठ नहीं सकते हो क्योंकि इसमें बैठने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो अगर बैठने का ऑप्शन दिया होता तो भाई और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता। सो अगला हमारी आती है बफेलो, दोस्तों देख सकते हो बफेलो का चीट कोड तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सो 10 है बफेलो का चीट कोड, और कैसी लगी तुम लोगों को कमेंट करके बताओ। सो दोस्तों चलो अगला हमारा चीट कोड है भाई लायन की, ठीक है। लायन का चीट कोड है भाई 11 डायल करने पे हमारी आ जाती है लायन, जिसको शेर भी बोलते हैं, ठीक है। सो चलो अगला हम लोग चीट कोड दिखाने वाले बड़ा सा शेर। सो शेर या शेर नहीं तुम लोग कमेंट करके बताओ। और इसका जो आंखें हैं ना बहुत ही खतरनाक है, सो तुम लोग देख लेना आंख दोस्तों, मैं आप ये दिखा रहा हूँ इसकी आंखें भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक लग रही है। सो चलो तुम लोगों को भाई कैसी लगी कमेंट करके बताओ। और अगला हम लोग चीट कोड दिखाने जा रहे हैं जीराफ की, ठीक है। सो जीराफ का चीट कोड है भाई 1313 डायल करने पे हमारी आ जाती है एक जीराफ, और इसमें तुम लोग बैठ भी नहीं सकते हो क्योंकि इसमें बैठने के कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो चलो अगला गेंडे का चीट कोड हम लोगों तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो गेंडे का चीट कोड है 1414 डायल करने पर एक गंडा आ जाती है, और इसका भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब लग रही है मेरे को। सो तुम लोगों को भाई कैसी लगी कॉमेंट करके बताओ। और तुम लोगों को मेरा वीडियो कैसी लगी चीट कोड अगर पता है कि नहीं है सो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देना, ठीक है। सो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।